कि अभी जितने पीने वाले पकड़ाए हैं उसके घर पर एक पोस्टर लगाना, जो दूसरे बार पीने वाले हैं उसमें कुछ ट्रायल नहीं है, सीधे एक साल की सजा। तो ऐसे 7 व्यक्ति पकड़ाए हैं अभी तक। वीआईपी जेल का भी सुन रहे हैं? मुख्यालय के निर्देश पर प्रत्येक जिला को वीआईपी जेल बनाने का, जो 24 घंटा हम लोग अपने कस्टडी में रखते हैं उसके लिए वीआईपी जेल बनाने का भी, हाजत रूम बनाने का आदेश प्राप्त हुआ है, जिसके तहत हम लोग वीआईपी जेल हाजत रूम बनाए। किस प्रकार के वीआईपी होंगे? जैसे जनप्रतिनिधि हुए, जो समाज में जिसे लोग संभ्रांत कहते हैं, सरकारी कर्मी हुए, अन्य भी जो भी संभ्रांत हैं, जिसको समाज में लोग संभ्रांत के नज़र से देखते हैं। चलिए ठीक। ऐसा शराब के कि अभी जितने पीने वाले पकड़ाए हैं उसके घर पर एक पोस्टर लगाना, जो पोस्टर विभाग के द्वारा भेजा जाएगा, वहाँ छप गया है, आज वो पोस्टर लाने के लिए पटना जाएगा तो सभी पियक्कर के घर पर पोस्टर चिपकाया जाएगा और उसे निर्देशित किया जाएगा, जो शपथ लिया है उसको याद दिलाया जाएगा और फिर से उसका डबल टेस्ट किया जाएगा, जो वह पिया है कि नहीं, अगर पिएगा तो फिर 1 साल के लिए वो जेल चला जाएगा। ऐसे 7 दूसरी बार पीने वाले अभी तक पकड़ाए हैं, जिसमें 3 को 1 साल की सज़ा हो गई है और 4 का जो है वो फाइल पुटअप है, वो भी 1 सप्ताह के अंदर उसको भी सज़ा हो जाएगी। जो दूसरे बार पीने वाले हैं उसमें कुछ ट्रायल नहीं है, सीधे 1 साल की सज़ा। तो ऐसे 7 व्यक्ति पकड़ाए हैं अभी तक, जिसमें 4 की सज़ा हो, 3 की सज़ा हो चुकी है 1 साल के लिए, यही है। और वीआईपी जेल के चिपकाने का उद्देश्य क्या है? पोस्टर चिपकाने का उद्देश्य यही है कि सामाजिक प्रतिष्ठा उसको न मिले, वो अपने को समझे जो हम समाज से अलग हैं, समाज के दूसरे लोग भी जागरूक हों, जो अगर हम पिएंगे तो मेरी भी बदनामी होगी, मेरे दरवाजे पर भी पोस्टर इसी तरह चिपक जाएगा कि मैंने शराब पी है। कितने टीम गठन है इसमें? उत्पाद विभाग के द्वारा 4 गठन का टीम है और पुलिस के द्वारा 10 ALTF का गठन है और प्रत्येक थाना के द्वारा छापेमारी की जाती है। सर वीआईपी जेल का भी सुन रहे हैं? मुख्यालय के निर्देश पर प्रत्येक जिला को वीआईपी जेल बनाने का, जो 24 घंटा हम लोग अपने कस्टडी में रखते हैं उसके लिए वीआईपी जेल बनाने का भी, हाजत रूम बनाने का आदेश प्राप्त हुआ है, जिसके तहत हम लोग वीआईपी जेल हाजत रूम बनाए। किस प्रकार के वीआईपी होंगे? जैसे जनप्रतिनिधि हुए, जो समाज में जिसे लोग संभ्रांत कहते हैं, सरकारी कर्मी हुए, अन्य भी जो भी संभ्रांत हैं, जिसको समाज में लोग संभ्रांत के नज़र से देखते हैं। चलिए ठीक। ऐसा शराब के मामले में महिला कारोबारी भी संलिप्त है, अब तक कितनी कार्रवाई हुई? प्रत्येक महीना महिला कारोबारी भी पकड़ी जा रही है, लेकिन महिला कारोबारी कम मात्रा में पकड़ी जा रही है। अब तक कितना केस डिटेक्ट हुआ होगा सर? अब तक 100 से ऊपर महिला कारोबारी पकड़ी गई है। किसी को सजा मिला है? सजा नहीं मिला है महिला कारोबारी। 2022-23 में मद्य निषेध के विरुद्ध जो कार्रवाई की गई है उसका विवरण है, जो छापामारी 18,819 जगहों पर किया गया, जिसमें 2,432 अभियोग दर्ज किए गए, गिरफ्तारी 2,980 व्यक्ति की हुई है और जिसमें देसी शराब 19,239, विदेशी शराब 1,38,179 लीटर लगभग जब्ती हुई है। इसके अलावा 100 से ऊपर अड्डों को ध्वस्त किया गया है, 248 वाहन जो है अवैध शराब के धंधे में लिप्त जो है जब्त किए गए हैं, 11 भवन और भूमि को भी जब्त किया गया है, 449 व्यक्तियों को इस मामले में सजा दिलाई गई है और 761 वाहन की नीलामी हुई है, नीलामी से 8,15,35,906 रुपया प्राप्ति हुई है। उत्पाद विभाग और पुलिस विभाग के द्वारा प्रतिदिन छापामारी की जा रही है, उत्पाद विभाग के द्वारा भी 4 टीम बनाई गई है,
छापामारी में ड्रोन, डॉग और बोट का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इधर पर्व त्यौहार को देखते हुए 24 घंटे विभाग द्वारा छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। जहां भी सूचना प्राप्त होती है न्यूनतम समय में हम लोग वहां पहुंचते हैं और कार्रवाई को अंजाम देते हैं। मद्य निषेध के अनुपालन में जनप्रतिनिधियों का और प्रेस प्रतिनिधियों का भी मदद मिलता है। जहां से जो सूचना आती है त्वरित कार्रवाई की जाती है। माह सितंबर में केवल शराब पीने वाले से 8,83,000 रुपये की वसूली हुई है।